शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द 13th लेक्चर ऑफ न्यूट्रिजनॉमिक्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर विटामिन ए एंड बी. नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ विटामिन ए ऑन जीन एक्सप्रेशन. सो जैसे हम लोगों ने विटामिन डी और विटामिन के को स्टडी किया कि ये दोनों जो है वो डायरेक्टली जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं. सिमिलरली विटामिन ए जो है वो डायरेक्टली जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है. अब डायरेक्टली कैसे करता है? बाय एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल. कुछ अपने क्लास को साथ साथ बनाए करें, फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो आपको समझ नहीं आती है, जवाब देना नहीं आता. तो विटामिन ए जो है वो जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है डायरेक्टली एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल बाय कंट्रोलिंग द जीन एक्सप्रेशन ऑफ एटीपेज़ 6 जीन. Now this is ATPase 6 gene provides the information for making a protein that is essential for normal mitochondrial function. It also exhibits the anti-proliferative and anti-inflammatory activities which appears to account for their therapeutic effect in the hyperproliferative and inflammatory diseases such as acne, psoriasis, photoaging and neoplasia. So आपको अभी तक ये पैटर्न समझ आ गया होगा कि जब भी हम इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट ऑन जीन एक्सप्रेशन देखते हैं तो मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछती हूँ कि ये डायरेक्टली जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहे हैं और या इनडायरेक्टली कर रहे हैं. सो विटामिन ए स्पेसिफिकली जो है इट इज रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन डायरेक्टली. अब इस डायरेक्टली का मीनिंग ये है कि ये whenever it is consumed or it is present in your bloodstream, it will regulate the expression of ATPase 6 gene. And this ATPase 6 gene is involved in your mitochondrial function. Other than this, vitamin A also has anti-proliferative and anti-inflammatory properties. Now, what is anti-proliferative and anti-inflammatory property? एंटीप्रोलिफरेटिव का मीनिंग क्या है? प्रोलिफरेशन को कम करेगा. वेरी गुड. ठीक है, किसने बताया? कुछ अपने हैंड रेस के साथ. सो एंटीप्रोलिफरेटिव का मीनिंग ये होता है कि जो प्रोलिफरेशन के अगेंस्ट काम कर रहा है, और एंटीइंफ्लेमेटरी का मीनिंग ये है कि जो इंफ्लेमेशन को प्रिवेंट करेगा. तो इस तरह से विटामिन ए जो है वो बहुत सारे ऐसे डिजीजेस जिसमें इन्फ्लेमेशन और प्रोलिफरेशन इन्वॉल्व होती है उसको प्रिवेंट करने में थेरेप्यूटिक इफेक्ट देता है. नाउ व्हाट इज थेरेप्यूटिक इफेक्ट? इट बेसिकली रेफर्स टू हाउ अ विटामिन कैन हेल्प इन ट्रीटिंग अ डिजीज और इन द मैनेजमेंट ऑफ अ डिजीज. और यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल्स दी गई हैं. इस रिसर्च में ये देखा गया था कि विटामिन ई जो है वो जीन एक्सप्रेशन को ऐसे रेगुलेट कर रहा है जिससे वो सर्टेन डिजीजेस को प्रिवेंट कर रहा है, और उसमें ये स्टडी किया गया था एक्ने को, सोरोसिस, फोटो एजिंग एंड न्यूप्लासिया को. जीन एक्सप्रेशन एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑन डिफरेंट जीन्स. So we will go study these specifically inflammatory effect. So vitamin A is beneficial for skin disorders such as acne and cancer. In acne, it fight with the free radicals, bodge off inflammation, and it also prevents the photoaging, which is the reversal of skin atrophy. So vitamin A has been proven to be good for your skin as it has anti-inflammatory properties, and specifically it has been studied in relation to the acne, cancer and photoaging, and in all these three skin disorders vitamin A has a therapeutic effect. Now let's discuss the diabetes.
डायबिटीज में क्या होता है, विटामिन ए का एक माइटोकॉन्ड्रियल जीन एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि ये आप लोग स्टडी कर चुके हैं कि विटामिन ए जो है वो ATPase6 जीन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को इम्प्रूव करता है. सो डायबिटीज में भी इट प्लेज अ माइटोकॉन्ड्रियल, इट रेगुलेट्स द माइटोकॉन्ड्रियल जीन एक्सप्रेशन, प्लेज द रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बीटा सेल्स, एंड दीज बीटा सेल्स इम्प्रूव द इंसुलिन एंड इम्प्रूव द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स. If there is a complete deficiency of vitamin A, it will lead to the beta cell death. अब diabetes में beta cell का एक बहुत important role होता है, और vitamin A जो है वो beta cell की development में बहुत important role play कर रहा है gene expression level पे. मतलब वो ऐसे set of genes को regulate करता है जिससे beta cell का की development होती है. और बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन प्रोडक्शन करते हैं और उससे आपके नॉर्मल ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, इट हैज बीन प्रूवन दैट इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन योर बॉडी, इट विल लीड टू द बीटा सेल डेथ लीडिंग टू डायबिटीज. नाउ लेट्स डिस्कस द विटामिन बी. अब विटामिन बी में हम स्पेसिफिकली फॉलेट के ऊपर फोकस करेंगे. आप लोगों को फॉलेट के बारे में क्या पता है? व्हाट डू यू नो अबाउट फॉलेट? रेज योर हैंड. बच्चों ये बी कॉम्प्लेक्स की एक टाइप है. जी आदित्य. मैम विटामिन B12. मैम इससे जो है वो एम्ब्रियो में वो एक होता है, मुझे याद नहीं है अभी सही से, एक डिजीज होता है उसके क्योर के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है. मैम एम्ब्रियो में ना मतलब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में अगर फोलेट की डेफिशिएंसी हो ना, तो उसकी जो उसका जो मतलब होता है ना स्पाइनल कॉर्ड, उसकी एंडिंग जो होती है वो सही से क्लोज नहीं हो पाती है, और वो जो वेसल्स होती है ना, मतलब वो जो वेन्स होती हैं, उनका एक क्लस्टर टाइप बन जाता है, जिसकी वजह से एक बम टाइप मतलब एक मतलब बन जाता है. वेरी गुड. सोविया ने क्या लिखा है? स्पाइनल बिफिडिया अकर्स इफ द फोलेट डेफिशिएंसी इज देयर. सो अब आप लोगों को ये पता है कि विटामिन बी का ये जो है हमारा फोलेट, स्पेसिफिकली मैं फोलेट की बात कर रही हूं, ये जो है आपके डीएनए की सिंथेसिस और रिपेयर में भी इन्वॉल्व होता है. ठीक है, हमारा फोकस क्योंकि जीन एक्सप्रेशन है और जीन्स में इसका क्या रोल है, तो हम बेसिकली डिफरेंट डिजीजेस में इसका क्या रोल होगा और कैसे जो है ये आपके जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा, हम इसको कवर करेंगे. सो फोलेट डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट अपीयर्स टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर. फोलेट डिप्लीशन suppresses the progression of the existing neoplasms, which are the abnormal and excessive growth of the tissue. And folate also enhances the sensitivity of cancer cells to the chemotherapy. अगर हम folate को देखें कि वो cancer prevention में कैसे role play करता है, तो gene level के ऊपर folate जो है वो neoplasms की की फॉर्मेशन और प्रोग्रेशन को सप्रेस करता है. ठीक है, अब न्यूक्लियोप्लास्ट्स क्या है? दे आर द एबनॉर्मल और एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द टिश्यू. और इसके साथ साथ ये भी ऑब्जर्व किया गया रिसर्च में कि जो विटामिन जो हमारा फोलेट है, इट एनहांसेस द सेंसिटिविटी ऑफ द कैंसर सेल्स टू द कीमोथेरेपी. सो अगर कोई कैंसर पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा है और अगर फोलेट के सप्लीमेंट यूज करेगा, तो उसके कैंसर सेल्स का रिस्पॉन्स टू द कीमोथेरेपी इम्प्रूव होगा. अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक डिफरेंस बता दूं बिटवीन डेफिशिएंसी एंड डिप्लीशन. अब बच्चों ये दोनों बड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं. डेफिशिएंसी इज बेसिकली रेफरिंग
कि कोई भी न्यूट्रिएंट जो है वो एब्सेंट है, डेफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है. व्हाइल डिप्लीशन मींस कि स्टोर्स जो है, फोलेट के स्टोर्स जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं, मीनिंग दैट फोलेट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय योर बॉडी एंड यूटिलाइज्ड बाय योर सेल्स फॉर देयर फंक्शन. सो डिप्लीशन इज नॉट a deficiency. Depletion is basically referring to utilization of folate by your body or body cells. ठीक है, clear है? तो हम ये देख रहे हैं कि deficiency से cancer हो सकता है, और अगर folate use हो रहा है, deplete हो रहा है, तो it is suppressing the progression of the excessive and abnormal tissue growth, and it is also enhancing the sensitivity of cancer cells to the chemotherapy. Folate is also essential for the DNA synthesis and repair and the maintenance of DNA integrity and stability. Now, how folate is basically helping the DNA synthesis and promoting the DNA integrity? It mediates the transfer of one carbon necessary for the biosynthesis of purines. अब DNA जो है वो different nucleotide बेस पेयर से बना हुआ होता है. वी हैव प्यूरीन्स एंड पाइरिमिडीन्स. सो फोलेट जो है वो प्यूरीन के बायोसिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय मीडिएटिंग द ट्रांसफर ऑफ वन कार्बन व्हिच इज एसेंशियल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरीन्स. So what happens if the folate deficiency occurs? It induces the DNA strand break. It increases the uracil misincorporation into the DNA, impairs the DNA repair, and appears to induce the apoptosis. So जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि folate जो है वो DNA के synthesis और repair में एक important role play कर. तो अगर बॉडी में फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाए, इट विल इंड्यूस द डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक, यानी जो डीएनए स्ट्रैंड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे. इट विल इंक्रीज द यूरेसिल मिसइनकॉर्पोरेशन इनटू द डीएनए. अब ये जो यूरेसिल मिसइनकॉर्पोरेशन है, अगर ये हो जाएगी तो डीएनए डैमेज स्टार्ट हो जाएगा और म्यूटेशन होगी जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है. ये एक टाइप ऑफ डीएनए डैमेज है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है. देन फोलेट डेफिशिएंसी विल आल्सो इंपेयर द डीएनए रिपेयर. डीएनए का रिपेयर नहीं होने देगा. इट विल अपीयर टू इंड्यूस द एपोप्टोसिस, यानी कि जो आपके हेल्दी सेल्स हैं उनकी डेथ शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली डीएनए डैमेज शुरू हो जाएगा तो सेल डेथ होगी. Effect of folate depletion on the expression of the genes which are involved in apoptosis and cancer pathway. So, it is another research which provides an evidence for the effect of folate consumption or the effect of folate depletion on the expression of the genes which are involved in apoptosis and cancer pathway. So, जितने भी अभी तक आपने vitamins और minerals, जितने भी vitamins और आपने macronutrients cover किए हैं, आप लोगों ने जब भी cancer को study किया है तो हमने उसमें cancer pathway को देखा है कि cancer pathway कैसे affect हो रहा है, cell cycle regulation कैसे affect होती है, यानी apoptosis के ऊपर क्या effect होगा, या proliferation differentiation के ऊपर क्या effect होगा. ठीक है, तो यही जो है वो study किया गया folate को, और देखा गया कि folate जो है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है उन जीन्स को जो कि इन्वॉल्व है एपोप्टोसिस और कैंसर पाथवे. सो अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स ऑफ दिस रिसर्च, द एक्सप्रेशन ऑफ 7 मोस्ट नोटेबली एंड कंसिस्टेंटली इफेक्टेड जीन्स वर इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स. 7 की जीन्स वर रिलेटेड टू द सेल साइकिल कंट्रोल, डीएनए apoptosis and angiogenesis. So इस रिसर्च के अकॉर्डिंग 7 जीन्स जो थे वो कैंसर के उन जीन्स के एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व थे जो कि कैंसर से रिलेटेड हैं, एंड दे वर इन्वॉल्व इन सेल साइकिल कंट्रोल, डीएनए रिपेयर, एपोप्टोसिस एंड एंजियोजेनेसिस.
लो और डेफिशिएंट फोलेट स्टेटस इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ मेनी डिजीजेस. जीन पॉलीमॉर्फिज्म मे आल्सो इंपैक्ट द रिस्क एंड इट हैज रोल इन मिथाइलेशन एंड न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस. सो एज वी हैव अ साइंटिफिक एविडेंस दैट फोलेट basically helps in the biosynthesis of purines, which is the nucleotide synthesis. So if there is a low or deficient folate status, it will lead to an increased risk of many cancers. Effect of folic acid on neurodevelopmental defects. ठीक है, ये बात आप लोगों ने को already पता है, जैसे discuss किया इफ्रा ने, सोबिया ने और आदिल ने कि जो फॉलिक एसिड है वो म्यूरल ट्यूब के क्लोजर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो इट प्रोमोट्स द क्लोजर ऑफ द म्यूरल ट्यूब एंड म्यूरल ट्यूब इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो इज द फर्स्ट स्टेप टू फॉर्म द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और अगर इस लेवल के ऊपर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं एम्ब्रियो. It is very essential nutrient which has to be consumed during pregnancy. Now, how folate is related with the heart disease, stroke, and peripheral artery diseases. So, according to the researchers, deficiency of vitamin B lowers the levels of amino acid in the blood called homocysteine. And it is associated with the narrowing or the blocking of the arteries leading ठीक है. अब हार्ट के ऊपर भी इसका एक इम्पोर्टेंट वो रिलेशनशिप स्टडी किया गया है और ये देखा गया है कि जब फोलेट की डेफिशिएंसी होती है तो होमोसिस्टीन जो है वो कम हो जाते हैं. और होमोसिस्टीन जो है वो आपके ब्लड प्रोटीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इन द नैरोइंग एंड ब्लॉकिंग ऑफ द आर्टरीज लीडिंग टू द एथेरोस्क्लेरोसिस. Immunity, how folate leads or affects the immunity. So severe folate deficiency has been found to impair the immunity, and vitamin B is vital for the production and maintenance of our body cells, especially during the periods of growth, such as pregnancy and infancy. It is needed to make the DNA and RNA, and it helps to prevent the changes to the DNA which may lead to So, immunity में भी इसका एक important role है. इसके अलावा आपके cell growth में भी इसका important role है. DNA के repair में इसका role है. इसके साथ साथ ये जो है DNA damage को या DNA के अंदर जो changes हो सकते हैं उनको prevent करने में भी important role करता है, जिसकी वजह से cancer भी हो सकता है. यानी जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था कि ये देखा गया था कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी जो है वो यूरेसिल मेसेंजर ऑपरेशन करती है इनटू द डीएनए और उसकी वजह से डीएनए डैमेज हो जाता है और इट माइट लीड टू द कैंसर आल्सो. तो विटामिन बी जो है वो इसको प्रिवेंट करता है, डीएनए में सडन चेंजेस को प्रिवेंट करता है जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है. इट रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी reduces the ability of B lymphocytes and T lymphocytes. A B cell function or T cell function जो है वो भी vitamin B के ऊपर dependent है. B cells का काम होता है कि वो antibodies बनाते हैं to identify the antigens necessary to identify the antigens. और T cells जो है they destroy the potential threats. So जो basic function है हमारे immune cells का वो भी affect होता है with the deficiency of vitamin B. It also decreases your levels of proteins involved in immune response. So B cells specifically jo hai na proteins ke levels ko kam kar deta hai jo ki immune response mein involved hai. So B cells jo hai wo B vitamin jo hai wo aapke heart mein bhi blood protein ko affect karta hai, immunity mein bhi B cells aur T cells ko affect karta hai. कैंसर में जो है वो डीएनए के जो चेंजेस हैं उनको प्रिवेंट करता है. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं.